नमस्कार दोस्तों, खबर एक्सपोज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वक्त की खबर हम आपको बता देना चाहते हैं कि जिला खरगोन के अंतर्गत बलवाड़ा के पास एक व्यक्ति का डीकम्पोज शव मिला है, और चूंकि पोस्टमार्टम के लिए उन्हें बड़वाह लेके गए थे, लेकिन वहां पे पोस्टमार्टम की व्यवस्था नहीं होने के चलते उनकी डेड बॉडी जो है मृतक की, वो खंडवा रेफर की गई है। और खंडवा में मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों की टीम ने पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी करा दी है, और जो मृतक है उनके परिजनों को सूचना के बाद यहाँ पर खंडवा पहुँचे हैं। और बताया जाता है कि जो मृतक है वो उज्जैन जिले के किसी गांव के सरपंच बताए जाते हैं। क्या है पूरा मामला, उनके परिजन जो खंडवा आए हुए हैं, यहाँ पर जो पोस्टमार्टम हो रहा है, यहाँ पर जो प्रक्रिया हो रही है, तो ये भी साथ में परिजन यहाँ पर पहुँचे हैं। तो परिजनों से हम बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या है पूरा मामला। भैया क्या नाम है आपका? लाखन सिंह। लाखन भाई कौन से गांव के आप? हम बरखेड़े बाजार, तहसील मैकपुर, जिला उज्जैन। अच्छा जी, तो ये जो भैया हैं अपने, इनका क्या नाम है? इनका नाम हकम सिंह पटेल है और वर्तमान में अभी सरपंच है, और ये मेरा अंकल है। अच्छा जी, तो क्या है पूरा मामला बता दो। मामला ये, शादी में गए थे उनेल के पास, एक खोखरी गांव है जी। इनके ससुराल पक्ष में शादी थी जी, वहाँ से शादी निपट गई 1 तारीख को, और दो तारीख को वहाँ से निकले, वहाँ से उनेल से अकेले बैठे थे बस में उज्जैन के लिए। उसके बाद कहीं दिखे भी नहीं, हमने सारे कैमरे भी चेक करवाए और हमारी तरफ से पूरी छानबीन करी, लेकिन कहीं पता नहीं चला जी। और अब फिर कल हमें यहाँ बड़वाला थाने से हमें फोन आया था, बलवाड़ा थाने से फोन आया, बलवाड़ा थे जी। फिर हमें खबर पड़ी कि आप यहाँ पे आ जाओ जी, कि हमें एक शव मिला है तो आप इनकी पहचान कर लो जी। हम यहाँ पर आए तो हमें यही मिले, हमारे अंकल ही थे। अच्छा जी, शिनाख्त कराई गई? जी शिनाख्त कराई, तो कुछ चीजों से मतलब पहचान? हाँ, एक तो फोन था, आईडी में वोटर आईडी था जी, आधार कार्ड था जी, और ये मिला जी, और चप्पल भी वही थी जो उनने पहन रखी थी जी। तो उसके बाद फिर पोस्टमार्टम के लिए, पोस्टमार्टम के लिए यहाँ रेफर करा फिर खंडवा जी। तो जैसे ये मतलब शादी में गए थे, उसके बाद फिर वापसी लौट रहे थे, उसके बाद फिर कहाँ गए, क्या हुआ, ये पता ही नहीं चल पाया? पता ही नहीं चल पाया, शादी निपट गए, उसके बाद वहाँ से 2 तारीख को निकले थे वो जी उज्जैन के लिए अकेले, और जबकि उनकी वाइफ भी वहीं पर थी, उनकी वाइफ को वहीं पर छोड़ दिया और अकेले वहाँ से निकले, उनेल में बैठे और उनेल से उज्जैन के लिए बैठे थे जी, लेकिन उसके बाद कोई पता नहीं जी। जी सर, क्या हुआ था सर, क्या है पूरा मामला बताइए। बलवाड़ा क्षेत्र के अंदर हमें सूचना मिली थी करीबन 7-8 बजे, एक या एक बॉडी मिली है जी, अज्ञात व्यक्ति था। पहुंचे बल के साथ जी, तो तलाशा, तो इसके पास मोबाइल था जी, तो उससे हमने सूचना निकाल इनके परिजनों को सूचित किया। फिर परिजन आए, परिजन काफी लेट आए, उसके बाद हम बड़वा ले गए पीएम के लिए, मरघोर कायम करा, बड़वा ले गए, बड़वा में ये डीकम्पोज बॉडी हो गई, तो इसका एक्सपर्ट ओपिनियन चाहिए था जी, तो वहाँ सुविधा नहीं थी, तो वहाँ से फिर यहाँ खंडवा के लिए रेफर किया, तो हम खंडवा लेके आए। फिलहाल हमारी इस खबर में इतना ही। हमारी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल खबर एक्सपोज को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन दबा दें, ताकि हर अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद, नमस्कार।